हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज़। अब हम बात करेंगे प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज़ की। हर कोई यूट्यूब से बहुत फैमिलियर होगा और हर किसी को पता है कि 5 सालों में जो क्रिएटर प्यूडीपाई हैं, चैनल क्रिएटर, उन्होंने 5 साल से यूट्यूब को डोमिनेट करके रखा है और प्लेटफॉर्म में अपना जो है डोमिनेशन बना के रखा हुआ है। प्यूडीपाई को 2013 से किंग ऑफ यूट्यूब माना जाता है और अब जो है इसका क्राउन स्लिप होके इंडियन मीडिया कंपनी टी सीरीज़ को जा रहा है। और इसके अगर हम देखें तो टी सीरीज़ 68 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पार करके प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर तक पहुंच रहा है। जो फैंस हैं प्यूडीपाई के, वो काफ़ी अब भड़क चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जो क्रिएटर है उनको हमने वापस लीड पर लाना है ताकि टी सीरीज़ कहीं प्यूडीपाई से आगे ना निकल जाए। और जो फैंस हैं उन्होंने हैकिंग प्रिंटर्स बना के रखे हैं और लोगों से अर्ज भी किया है, रिक्वेस्ट की है कि वो प्यूडीपाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल जो है उसमें प्यूडीपाई सबसे आगे रहे। और उन्होंने एक हैकिंग ग्रुप प्रोजेक्ट जार्गो को भी रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि वो टी सीरीज़ के कंटेंट को डिलीट करे ताकि प्यूडीपाई के कंटेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रहे और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा रह पाए। अब हम बात करेंगे मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट जो एक फ़ैन है प्यूडीपाई के, उन्होंने एनकरेज किया है यूट्यूब चैनल को चलाने वालों को कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल्स प्यूडीपाई के ताकि टी सीरीज़ का सब्सक्राइब जो है वो कम हो जाए। अब प्यूडीपाई जो है वो सबसे पहले क्रिएटर है जिन्होंने 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पार किया है। अब प्यूडीपाई ने एक फिनोमिना बनाया है जिसमें उन्होंने यंग जो है जो उनके फ़ैन है यंगस्टर्स, उन सभी से अपील की है कि वो जो है उनके चैनल को आगे लेकर जाए ताकि टी सीरीज़ उनसे आगे ना निकल जाए। और प्यूडीपाई जो है वो एक ऐसे व्यक्ति है जो गेमिंग पे काफ़ी वीडियोस बनाते हैं और जो उनके फैंस है वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने पूरा एक यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया हुआ है जहाँ पे सिर्फ उनके यंग फैंस आपको दिखेंगे और वो एक गेमर है, गेम्स के वो है रिव्यू देते हैं, कमेंट्री करते हैं। उनकी जो प्रेजेंस है वो YouTube के अलावा Facebook पे भी देखने को मिलेगा, Instagram पे और Twitter पे भी देखने को मिलेगा। इन तीनों पे भी वो काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने 4100 वीडियोस अपलोड किए हैं और उन्होंने 2010 से 19 बिलियन व्यूज़ जो है जनरेट किए हैं। और उनका सबसे देखने जाने वाला वीडियो जो है वो अभी एक साल के अंदर एक उन्होंने कमेंट्री की थी कॉन्ट्रोवर्शियल, लोगन पॉल जो है यूट्यूब फिगर, उनके अगेंस्ट, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोवर्शियल जो है कमेंट्री की थी जिसमें उनको 30.6 मिलियन व्यूज़ जो है जनरेट हुए और पहले 3 दिन में 14.9 व्यूज़ जो है जनरेट हुए। अब हम बात करेंगे टी सीरीज़ की। टी सीरीज़ एक म्यूज़िक और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जो कि इंडिया में खुली है और फिल्म ट्रेलर्स वो लॉन्च करती है और उसको अपलोड भी वीडियोस में यूट्यूब में करती है, अपने चैनल में अपलोड करती है। और उनका चैनल जो है 2006 से एक्टिव है और काफ़ी ठीक स्पीड पे वो चल रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्लोड उसने कुछ ही सालों में किया है। कुछ 3-4 सालों में उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी कमाई है और टी सीरीज़ ने 13,000 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड किए हैं यूट्यूब में। और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला उनका वीडियो गुरु रांधवा का है जिसमें 603 मिलियन व्यूज़ जो है जनरेट हुए हैं। टी सीरीज़ ने 40.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो हासिल किए हैं। और नीरज कल्याण जो प्रेसिडेंट है टी सीरीज़ के, उन्होंने बताया है कि ये गर्व की बात है कि इंडिया का चैनल यूट्यूब जो है नंबर 1 पे आ रहा है और जो प्यूडीपाई के जो फैंस हैं वो जितना भी इसको क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन जितना भी कुछ भी हरकत कर ले, लेकिन टी सीरीज़ इस तरह की हरकत वो कभी भी नहीं करता और टी सीरीज़ काफ़ी इसमें जो है रिस्पेक्टेबल माना जाता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्यूडीपाई का लेवल एकदम अलग है और टी सीरीज़ का लेवल जो है वो एकदम अलग है, दोनों का कोई बराबरी नहीं है और दोनों अपनी अपनी जगह में लेजेंड है तो इसलिए इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये गर्व की बात है कि इंडिया का चैनल यूट्यूब में नंबर 1 पे आ रहा है। इसके साथ ही जो कुछ एक सिंगर है, फेमस सिंगर और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है अमाल मलिक, वो भी इस लड़ाई में उतर आए हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि हम टी सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो ये था सारा प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज़ के ऊपर। कुछ लोग जो हैं वो प्यूडीपाई को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो उनके फ़ैंस हैं, लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं टी सीरीज़ को सपोर्ट करूंगा क्योंकि टी सीरीज़ ने इंडिया को म्यूज़िक के फील्ड में काफ़ी ऊपर लेकर गया है और ये हमारे लिए भी और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, तो इसलिए मेरे लिए भी गर्व की बात है कि टी सीरीज़ नंबर 1 पे आ रहा है। तो ये था आज का पूरा एंटरटेनमेंट एक न्यूज़ प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज़ के ऊपर। तो ऐसे ही अगर आपको हमारे वीडियोज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस आगे भी देखते रहिए और उसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो बेल आइकन भी